जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचा है हो ही नहीं सकता उसके पैर में छाले ना हो। धोनी भाई साहब जब ट्रेन में टिकट बेच रहे थे तब आपने वो जीवन देखा ही नहीं। काश उस वक्त ऐसा कर दिया होता, काश मैंने ये ना किया होता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे देखना है जोर कितना। आप क्या देखते हो? आप देखते हो एक अमीर व्यक्ति, आप देखते हो एक सफल व्यक्ति को, आप देखते हो कितनी बड़ी कार से उतरा, आप देखते हो कितने बड़े घर में रह रहा है, आप देखते हो कितने महंगे कपड़े पहन रहा है और फिर उसके बारे में चर्चा करते हो। आप देखते हो धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए और फिर उसके बारे में डिस्कस करते हो। धोनी का कम आरिस भाई है, हेलीकॉप्टर झाड़ुआ घुमाई दीस भाई एकदम है, धोए दे रख दीस भाई एकदम। और वही धोनी भाई साहब जब ट्रेन में टिकट बेच रहे थे तब आपने वो जीवन देखा ही नहीं। जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचा है हो ही नहीं सकता उसके पैर में छाले ना हो। त्याग के बिना कुछ हासिल नहीं होगा। अभी मैं बच्चों से यही बोल रहा था कि या तो आज अपने जीवन में त्याग कर लो या कल जीवन में काश करना कि काश उस वक्त ऐसा कर दिया होता, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैं एक साल के लिए मोबाइल फोन को साइड भेज देता। मैं ये बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो कष्ट है, ये जो त्याग की जिंदगी है, ये जो साधु वाले आचरण में आपको दे रहा हूं, आपको असल में साधु तो नहीं बनना है जीवन में। कुछ लोग को बनना होगा, बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर को नहीं बनना है, पर ये जीवन आपको सिर्फ अगले 3-4 वर्ष जीना है। मैं नहीं कह रहा हूं पूरा जीवन ऐसे ही कठोर रहेगा, ऐसे ही परेशान रहेंगे, हमेशा घिसते रहेंगे। समय आएगा चमकेंगे, पर उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो उस समय तक के लिए थोड़े डिस्ट्रैक्शन भी दूर कर देते हैं। अब बताओ, अब भी मुझसे नहीं हिल रहा है, अब क्या करूं? हाँ, क्या करूं? क्या करूं? अब भी नहीं हिल रहा है। क्या? अरे तुमको तो आंसर पता है, एफर्ट ही नहीं लगा रहे तो क्या हिलेगा कैसे? गणित ही खराब है अपनी। ये क्या हुआ? स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन पार हो गया, हिल गया। तो उस स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक औकात थी, क्या मैं उस औकात तक पहुंच रहा हूं? मैंने ताकत लगाई, दुश्मन ने भी ताकत लगाई, मैंने ताकत लगाई, दुश्मन ने और ताकत लगाई। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है जितनी आप फोर्स लगाते हो, ठीक है? मैंने लगाई जितनी, जितना बल मैं लगा रहा हूं उतना बल फ्रिक्शन लगा रहा है, जितना बल मैं उतना बल फ्रिक्शन। अब मैं बीच में गिव अप कर दूं, नहीं होगा यार। पर उस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू थी, एक आखिरी जगह थी जहां जाके वो टूट जाएगा। उसके टूटने से पहले मुझे नहीं टूटना है, तोड़ दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे देखना है जोर कितना।